अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अमरीन मोहसिन ब्लॉग। तो हो चुका है नेक्स्ट डे और अभी टाइम है फजर का। तो चलो अभी फजर की नमाज़ पढ़ते हैं और उनको भी उठा दें नमाज के लिए। तो चलो, तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई है मेरी फजर की नमाज़ और अभी वो पढ़ रहे हैं फजर की नमाज़। और अभी मैं इंशाल्लाह ब्लॉग अपलोड कर दूँगी और सो जाऊँगी। और आज जुम्मा है तो आज हरम शरीफ में जाना है क्योंकि 10 बजे गेट बंद हो जाते हैं सारे। फिर बाहर रोड पे नमाज़ पढ़ना पड़ेगी, वो भी बहुत धूप है कड़क यहाँ पे। तो आज जल्दी जाएंगे हरम शरीफ में, तो जोहर की नमाज़ इंशाल्लाह हरम शरीफ में अदा करेंगे। तो फिर अभी सो जाती हूँ फटाफट, तो सुबह जल्दी उठते हैं। तो चलो, तो अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो हो चुका है नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे मतलब सुबह, मैंने कल से ब्लॉग स्टार्ट किया था तो मैं फजर पढ़ के सोई थी और अभी टाइम हो गया 9 बज गए और 9 बजे उठ गई मैं। और वो फजर पढ़ के सोए ही नहीं, वो गए थे हजरत असवद को चूमने के लिए क्योंकि उनका रह गया था। और हतीम हतीम में नमाज भी पढ़नी थी उन्हें, 2 रकात नफिल नमाज। तो वो आज गए ट्राई करने के लिए, उन्होंने फजर पढ़े, फ्रेश हो गए और फिर वो चले गए। तो फिर वो अभी जोहर पढ़ के ही इंशाल्लाह वापस आएंगे क्योंकि जोहर में आज रश भी रहता है बहुत ज़्यादा। तो फिर अगर वो वापस आएंगे रूम पे तो फिर जगह नहीं मिलेगी, इसलिए अभी वो फजर में जो चले गए वो अभी जोहर पढ़ के वापस आएंगे। तो अभी मैं भी उठी हूँ जल्दी। तो फिर अभी उनको मैंने बोला था तुम उठेंगे, तुम ब्रेकफास्ट करेंगे तो ब्रेड और जाम वगैरह ला के रख दो, मतलब बच्चे भी ब्रेकफास्ट करेंगे क्योंकि 9 बजे तक वो बंद हो जाएगा ब्रेकफास्ट का टाइम। तो अभी बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे और अभी मैं नहा के हो गया है मेरा, जारू नहाने के लिए गया है, सोहा और हुसैन इधर ब्रेकफास्ट कर रहे। चल रहा ब्रेकफास्ट। और आज जुम्मा है तो जुम्मा के दिन हरम में 10 बजे से पूरे गेट बंद हो जाते हैं, तो 10 के पहले ही हमें जाना है वहाँ पे। तो अभी चलो हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह सारा, अभी ब्रेकफास्ट करेंगे और निकलेंगे। और आज मैंने जुम्मा के दिन पहना है मैंने पूरा वाइट ड्रेस, तो मैं दिखाती हूँ आपको। ये है वाइट ड्रेस, आज जुम्मा के लिए मैंने पहना है स्पेशल। तो गाइस चलो, मैं अभी हो चुकी हूँ रेडी और मैंने पहना है आज वाइट बुरखा और सब लोग रेडी हो गए। और ये बुरखा जो था वो मैंने मदीना शरीफ से लिया था, तो दिखाती हूँ मैंने कौन सा बुरखा लिया है। तो ये वो बुरखा है जो मैंने मदीना शरीफ से लिया था और ये जो मकनी है वो भी मैंने मदीना शरीफ से ली थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो ड्रेस पे बुरखा पहनी हूँ। तो चलो अभी जाते हैं हरम में नमाज पढ़ने के लिए। तो चलो, दारून हुसैन भी रेडी हो गए और दोनों का जो पठानी है वो दादी दादू ने दोनों को लिया हुआ पठानी है, तो दोनों ने माशाल्लाह वो पठानी पहना है। तो चलो, और सोहा है इधर, सोहा भी माशाल्लाह लग रही। तो चलो अभी जाते, लेट हो गया हमें, 10:30 हो गए, 10 बजे जाने का था लेकिन 10:30 हो गए, बच्चों का होने तक टाइम गया। और उसके अब्बा जारून के अब्बा जल्दी गए, नहीं तो आज तीनों बच्चे मेरे साथ हैं, अगर वो रहेंगे तो हुसैन अब्बा के साथ रहता है उसके, तो मेरे को टेंशन नहीं रहता। और आज जुम्मा है, भीड़ भी ज़्यादा है, तो तीनों बच्चों को लेके जा रही हूँ मैं। तो चलो चलते हैं। गाइस हम लोग तो आ गए लेकिन हुसैन की वजू टूटी है, तो हुसैन कर रहा है वजू। और आज जुम्मा है तो इतना रश है, अभी टाइम हो गया 11:15 और इतना रश है अभी से, सब लोग बैठे हुए जगह पकड़ के लिए और बहुत रश है। 11 बजे पूरा फुल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, हमें जगह तो मिल गई। चलो अभी जाते हैं होटल। गाइस आप देख सकते हो जुम्मा की भीड़ कैसी है, कितना पब्लिक है आज जुम्मा के नमाज के लिए। गाइस हम लोग आ गए रूम पे और बाहर बहुत ज़्यादा धूप है, पूरे पसीना पसीना हो गए रूम तक आने तक, होटल तक आने तक। और आज रश भी ज़्यादा थी, जुम्मा था तो बहुत रश थी, हरम शरीफ से होटल में तक आने तक बहुत टाइम गया क्योंकि रश की वजह से बहुत टाइम गया होटल तक आने के लिए। इसके लिए बच्चे भी पूरे थक गए, हम लोग आके लॉबी में बैठे, फिर अभी 2 मिनट यहाँ पर रेस्ट करेंगे और फिर खाना खाने के लिए ऊपर जाएंगे। और अभी नमाज के बाद ऊपर खाने में भी बहुत रश रहता है, तो थोड़ा 10 मिनट बैठते यहाँ पर थोड़ा रश भी कम हो जाएगा खाने के टेबल पर, फिर ऊपर जाएंगे। कैसा था एक्सपीरियंस, कैसा था? हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हजरत असवद को चूमे, बहुत अच्छे से हो गया। कैसी हालत, कैसी हो गई हालत? बहुत खराब थी, 1 घंटा हम स्टेबल नहीं थे। क्या बात कर रहे, वहाँ से आए बात क्या? बहुत तकलीफ हो रही थी, ऐसा लग रहा था कि गिर जाएंगे, बहुत रश था। क्या
स्टेबल ही नहीं हो पा रहे थे, बहुत दब गए थे, बहुत दब गए थे। जाने दो, लेकिन हो गया ना शायद, आपका भी हो गया। अच्छा, दोनों का भी बहुत ये हो गया, आखिरी बहुत थक गए थे, हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। मेन वो है, होना लगाना पड़ता। अच्छा, पूरी ताकत खत्म करके आए, और उसमें पसीना, गर्मी है, और आज जुम्मा रहने से ज्यादा रश रहे हैं। और हमने कम से कम 15-20-25 मिनट गए हमारे, 20-25 मिनट, हां ना, एक बार में ही गए क्या, वापस आ रहे जा रहे हैं? चार टाइम बाहर आए, फिर वापस अंदर, बाहर फेंक देते हो जो अंदर रहते ना, चुमने वाला बाहर हाँ। निकलता ना तो दूसरे को लेके निकलता हूँ। हाँ, क्या जो लगे ला है उसको लेके हमत निकाल देता, हमको लेके बाहर निकलता हूँ। तुम जाने का छोड़ के तुमको बाहर फेंक रहा है, बोला उसको निकालने का नहीं, अभी अपना अपना जाने का। चलो अच्छा है, चलो हो गया। नमाज के लिए जगह मिली क्या आगे? मिले ना, हम 4 घंटा पहले बैठे थे। आधे घंटे, हाँ ना, तुम लोग जल्दी जाने से उतना फायदा होगा। जन्नत के दरवाजे के सामने, क्या बात कर रहे हो, खाने का के दरवाजे के सामने। अरे हम लोग भी आगे थे पूरे, मिली तुमको? हाँ, मैं जल्दी आई, 10:30-11 को मैं निकल गई रूम से, जल्दी निकली मैं। मुमताज खाला मिल रहे नहीं बोले, मेरे को फोन आया था। गाइस, अभी हम लोग आए थे रूम पे, थोड़ा रेस्ट किए, बहुत थकान हो गई, बहुत ज़्यादा धूप थी, सबके हाल खराब थे। अभी थोड़ा खाने के लिए जाते हैं, चलो फिर। तो आज खाने में है बिरयानी, आज जुम्मा स्पेशल। वाह, जर्दा भी है और कोक भी रखा हुआ है आज। कैसी है दारुम बिरयानी? अच्छी है, अच्छी लग रही। कोक ले लिया ना आज दोनों ने, तूने भी लिया ना, कैसी लग? चलो गाइस, अभी हम जा रहे हैं बाजू में, यहाँ जो जा रहे हैं वो करने के लिए। तो चलो, वहाँ मैंने वाइट बुरखा निकाल दी, मैंने ब्लैक बुरखा पहनी क्योंकि अभी बस में जाने वाले सब लोग थके तो सो के जाएंगे, तो फिर कैसे वाइट वाइट कलर है तो ख़राब भी हो जाएगा, इसलिए मैंने वाइट निकाली और ब्लैक पहनी। और इधर सब लोग रेडी हो गए, तो चलो। मुमानी का पैर कैसे है? मुमानी है ना, मुमानी को और दूसरे पैर पे गिरे अभी वापस, सूजा ना दिख रहा ना, सूजन। चलो, तो बस आ गई, चलो चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम निकल गए अभी तायब के जायरत के लिए, और दो तीन जायरत करेंगे, उम्रा की नियत करेंगे और उम्रा भी करेंगे साथ। हाँ, इंशाल्लाह एक उम्रा भी हो जाएगा आज, ये भी बड़ा उम्रा है। हाँ, ये भी बड़ा उम्रा है। और कल लास्ट दिन है हमारा मक्का में, तो आने के बाद बैग वगैरह करना है, तो चलो जैसा रहेगा देखेंगे आपको। जुटती है जबीने तो हरम में कुछ है, लोग अश्क बहाते हैं तो गम में कुछ है, बिला वजह कोई किसी पे मरता नहीं नसीर, इन पे कोई मरता है तो इनमें कुछ है। आज का जो हमारा सफर है वो सफर ताइफ है। अल्लाह ताला की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ है खालिक़े कायनात हमारा सफर आसान फरमाए। आप सबको सबसे पहले जुमातुल मुबारक, बहुत बहुत वो हजारों जुमे अल्लाह आपकी नसीब में करे, बार बार मक्का पाक मदीना पाक की आपको हाजिरी नसीब फरमाए। मैं इतना किसी नबी को परेशान नहीं किया गया जितना मुझे परेशान किया गया मेरे उल्टे हाथ की तरफ से मीना के खेमे। अल्लाह आपको भी यहाँ 8 ज़िलहज, 9 ज़िलहज, 10 ज़िलहज, आपका भी क्याम वहाँ हो। ये सामने जमारात है जहाँ पे शैतान को कंकरियां मारते हैं। दुनिया में हमारा या हमने आँखें में मौजूद है जिसने लाकर गला में इलाही दिया, जिसने लाकर गला में वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। नीचे है और ताइफ ऊपर है, और ये वो इलाका है जहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलाम जख्मी हालत में घूमते रहे। हजरत ज़ैद बिन हारिस हजूर के साथ थे। ज़ैद बिन हारिस वो गुलाम है कि जो बिकते बिकते हजूर की बारगाह में आए।
आप फरमाते हैं मैं कम सन बच्चा था जब मैं हजूर की बारगाह में आया, तो हजूर ने मुझे देख के फरमाया कि तू अपने माँ बाप की याद में रो रहा क्यों, क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आज के बाद अम्मा खदीजतुल कुबरा तेरी माँ हो और मोहम्मद तेरा बाप हो, तू राजी नहीं? तो 10 साल हजरत ज़ैद बिन हारिस हजूर की गुलामी में रही, 10 साल। कहते झिड़कना तो दूर की बात, कभी गुस्से से भी मेरे हजूर ने मेरी तरफ नहीं देखा था। अब हम उतरे असर की नमाज के लिए और अभी टाइम कम बचा है और इंशाल्लाह इधर ही मगरिब की नमाज भी पढ़ के फिर गाड़ी में जाएंगे। बैग में गई कुछ नहीं, अल्लाह उसको भूख लगी ली, पानी पीते। ओ पी ली चलो चलो। अरे अरे कैसी बैठी, चल 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 चल। नहीं काटेंगे, शांत है देखना। अरे कैसी सही, उनको अच्छा लगता है। हाँ सर पे से हाथ घुमाए ना उनको अच्छा लगता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हो गई अभी हमारी मगरिब की नमाज और मस्जिद के बाहर का नज़ारा है। इस साइड लेडीज के लिए मस्जिद है। इस वक्त हम टाइफ की उस जगह पे मौजूद हैं जहाँ पे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास का मकबरा है। मेरे सीधे हाथ की तरफ ये सामने मकतब हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला, और बिल्कुल ये सामने जो दीवार है ना, यहाँ पे आपकी कब्र मुबारक है। अच्छा। वो सामने मस्जिद है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास। अभी जेंट्स हज़रात वहाँ नमाज पढ़ के आए, और वो जो जगह जहाँ पे आपको ज़ख्मी किया गया, ये ब्लैक कलर का दरवाज़ा लगा हुआ है, ये वाली कंपाउंड है। हाँ कंपाउंड क्या हुआ है। अल्लाह ताला की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ है जो ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी आने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। आज हम जिस जगह पे मौजूद हैं, ये इतनी बड़ी हस्ती यहाँ आराम फरमाए कि इनके वालिद मोहतरम हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास, हजरत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा गया कि आप बड़े हैं या हुज़ूर बड़े हैं, अगर पूछा जाए चाचा से तो भतीजा बड़ा है या चाचा बड़ा है, तो यकीन ही बात है हर कोई यही कहेगा कि मैं चाचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, भतीजा छोटा है। लेकिन हजरत अब्बास ने बड़ा खूबसूरत जवाब दिया, कहा पैदा पहले मैं हो गया हूँ, हुज़ूर मुझसे बड़े हैं, सारे नबियों से सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मन सब जुदा है, हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे बड़ा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह गाइस यहाँ पे थोड़ी बारिश चालू है, मक्का में बहुत हीट थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा क्लाइमेट है, ठंडा ठंडा क्लाइमेट लग रहा है इधर। तो चलो अभी आगे जाते हैं, बस में जाते हैं, सब लोग बस में चले गए। चलो मस्जिद अली पहली मीनार वाली मस्जिद, इस्लाम की जो पहली मीनार वाली मस्जिद बनी थी वो ये है मस्जिद अली। मीनार दिखाई मीनार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत ज़ैद बिन हारिस यहाँ लेके आए ज़ख्मी हालत में, जब आपको पत्थर मारे गए तो आप ज़ख्मी हालत में हज़रत ज़ैद बिन हारिस आपको इस बाग में लेके आए। उतबा शैबा ये बड़े बड़े काफर इन्होंने आपके पीछे ओबाश बच्चे लगाए जो आपको पत्थर मारते हैं। हजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जिब्राईल आया, अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह आप बस इजाज़त दीजिए ये जितने पहाड़ हैं आपस में मिला के ये ताइफ वालों को गर्क कर देते, आसमान से इतनी बारिश बरसाते हैं इनको गर्क कर देते, आसमान से आग बरसाते हैं इनको मार देते। तो मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया नहीं, मैं अपनी उम्मत के लिए रहमत बन के आया हूँ, ज़हमत बन के नहीं आया। ज़हमत कहते हैं जैसे बारिश हो
आपकी छत कायम दायम है तो बहुत रहमत है। बारिश फ़ायदा दे तो रहमत है, बहुत ज़्यादा बारिश हो, छतें गिर जाएं, फसलें तबाह हो तो छतें गिर जाएं तो वो ज़हमत है। तो मेरे हुज़ूर ने इरशाद फरमाया, मैं अपनी उम्मत के लिए रहमत बन के आया हूँ, ज़हमत बन के नहीं आया। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कलमा नहीं पढ़ेंगे तो इनकी नस्लें कलमा पढ़ेंगी। और यही हुआ कि मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब यहाँ 3 रातें आपने क़याम किया और इसी जगह पे इसी मकाम पे हज़रत अद्दास ने आपके हाथ से अंगूर लिए, मेरे आका की बारगाह में पेश किए, तो हजूर ने अंगूर लेते समय बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा। क्या पढ़ा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो उसने ये सुन के ना बात कहा, ये तो नबियों का कलाम है, ये तो नबी बात करते हैं, ये तो नबियों का कलाम है। तो फरमाया कि मैं तो आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। कहा मैं तो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की नस्ल में से हूँ और आपके ही इंतज़ार में था। हज़रत अद्दास ने कलमा पढ़ा और दायरे इस्लाम में आ निगाह नज़र हकीकत में वो नज़र है, उठे तो बिजली पना मांगे, गिरे तो खाना ख़राब कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों यहाँ हज़रत अद्दास ने इस्लाम कबूल किया, इस्लाम के दामन में आए। अल्लाह ताला की पाक और बुलंद बारगाह में दुआ है, खालिक़े कायनात हमें भी सही मानों में हजूर से मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए, हमारे कबीरा से गिरा गुनाहों को माफ़ फरमाए, आइंदा गुनाहों से बचने की तौफीक अता फरमाए। या नफल नमाज अदा करें फिर अपनी गाड़ी में आए। ये मस्जिद रसूल है, इसी जगह पे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ के पत्थर के साथ टेक लगा के बैठे थे तो ऊपर से पत्थर गिराया गया हुज़ूर के ऊपर, अल्लाह के इज़्ज़त से हुक्म से 2 पत्थर हैं। आप फोटो लें, आपको मैं बता देता हूँ। 2 पत्थर हैं, जिस पत्थर के नीचे 2 पत्थर है ना, वो पत्थर है, 2 पत्थर है, एक सीधा है और एक जिसका कोना बना हुआ है उसके नीचे 2 पत्थर हैं, वो ही बड़ा पत्थर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम खड़े हैं कन्नुल मनासिल मिकात पे। जब आप ताइफ से आते हैं तो आपके लिए लाजिम होता है कि आपने यहाँ से एहराम बांध के मक्कतुल मुकर्रमा की तरफ सफ़र करना होता है। ये बड़ी मिकात है कन्नुल मनासिल मिकात, अस-सबील अल-कबील लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर भी सामने। और हमारी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी यहाँ पे आने की। यहाँ पे मेरे आका अलैहिस्सलाम ने भी एहराम बांधा और आज हमारे भाईजान भी इंशाल्लाह वहाँ से एहराम बांधेंगे। अल्लाह ताला इनका, इनके बच्चों का और फैमिली मेंबर जितने हैं सबका उम्रा आसान अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलाम तो यहाँ से ये मस्जिद से उमरा करना कंपलसरी है, लेकिन कुछ लेडीज़ ऐसे थे जिन्होंने एहराम नहीं लाए थे क्योंकि उनकी कैपेसिटी नहीं थी उमरा करने की, तो वो एहराम लेके नहीं आए थे, लेकिन अभी उनको लेना ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह एहराम बांध लिए हमने, अभी तक नियत नहीं करे एहराम की, अभी नमाज़ पढ़ेंगे फिर नियत करेंगे। तो इधर सामने है मस्जिद, यहाँ पे अभी 2 रकात उम्रे की नियत से नफिल नमाज अदा करेंगे और 2 रकात तहतुल मस्जिद की नमाज भी अदा करेंगे इंशाल्लाह। एहराम पे ने नियत भी बांधे, हमने नहीं बांधे अभी तक, अभी गाड़ी में बांधेंगे। जारून में जारून साइड में थे कभी हम अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह तवाफ हो गए
अभी पढ़ेंगे दो रकात वाजिब नमाज। तो जगह मिल गई नमाज के लिए, अभी यहाँ पढ़ेंगे दो रकात वाजिब नमाज। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज हो गई, अभी जाते हैं जमजम पीने। चलो जमजम पीने, हाँ जमजम पीने के बाद सफा मरवा करेंगे। हाँ बैठेंगे ना, बैठो ना, अभी बैठा तो है। अरे जमजम पीवा। अच्छा ठीक, तो अभी नमाज हो गई पढ़ के, अभी जमजम पियेंगे। लेकिन बहुत भीड़ है यहाँ पे अभी। तो अभी जमजम पीने के बाद अभी जाएंगे सफा मरवा करने के लिए। नीचे पूरा पहाड़ है, ऊपर गेट मरवा पहाड़ी। तो अभी लास्ट राउंड चल रहा सफा मरवा का, तो हो गया अल्हम्दुलिल्लाह उमरा। अभी बाल कट करेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह उमरा हो जाएगा मुकम्मल। अब कब मौका आता बाद में मालूम नहीं, अभी कल तो इंशाल्लाह हम निकलने वाले घर जाने के लिए। लेकिन बहुत अच्छा रहा सफ़र हमारा, तो लास्ट है अभी ये सफा मरवा का लास्ट राउंड चल रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह उमरा हमारा मुकम्मल हुआ, और अभी हमने ईशा की नमाज़ भी पढ़ ली। ईशा की नमाज़ नहीं पढ़े थे, अभी जस्ट ईशा की नमाज़ हो गई। तो देखते हैं अभी आगे का प्लान क्या होता है, तो मैं बताती हूँ आपको जो आगे का प्लान होगा। अभी तो बैठे फिलहाल आराम से उनकी चल रही ईशा की नमाज़। वो यहाँ पर ईशा की नमाज़ पढ़ रहे, हम लोगों की हो गई। चलो गाइस हो गई हमारी ईशा की नमाज़, सलातुल तस्बीह की नमाज़ पढ़े अल्हम्दुलिल्लाह, और तहज्जुद की भी नमाज़ आज़ान हो गई तो तहज्जुद की भी नमाज़ पढ़ लिए। और अभी बच्चे सता रहे तो अभी जा रहे हम होटल पे। हाँ तो अभी टाइम हो गया 4:10 हो गए, तो चलो अभी जाते हैं होटल पे। तो गाइस हम लोग आ गए होटल पे, और अब भी फजर की आज़ान हो गई तो हमने नमाज़ भी अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिए। और अभी आज बच्चे तीनों जागे तो वो लेके आए शोरमा नीचे से, तो अभी शोरमा खाते हैं। चलो बच्चे लोगों को आते वक्त भूख लगी तो बोला था शोरमा लेके आओ, तो वो शोरमा लेके आए, तो चलो अभी शोरमा खाते। इसी के साथ ये व्लॉग एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।